नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों का मुद्दा और गहरा गया है। सपा ने एक दिन पहले घोषणा की थी कि अगर 20 फरवरी तक सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं होता है तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और ऐसा ही हुआ। सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने भी इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। ऐसे में देश में बन रही वैक्यूम विपक्ष की स्थिति और गहरी होते दिख रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अब तक दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनी। खबरों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर अखिलेश ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की थी, लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। सपा और कांग्रेस के बीच काफी समय से सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। पहले 15 सीटों पर सहमति बनी थी, फिर सपा ने 2 और सीटें बढ़ा दी, यानी कुल 17 सीटें कांग्रेस को देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कांग्रेस इस पर भी राजी नहीं हुई। कांग्रेस सपा से 18 सीटें मांग रही थी और मुरादाबाद या बिजनौर सीट पर अड़ी हुई थी। सपा ने प्रियंका के कहने पर दानिश अली के लिए अमरोहा और इमरान मसूद के लिए सहारनपुर सीट छोड़ दी थी। अखिलेश की आखिरी बातचीत खड़गे से हुई थी, पहले प्रियंका भी इस बातचीत में शामिल थी। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम चरण में है और एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। सपा चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े और हम भी चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो। अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें देने की सहमति जताई थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस और सपा के बीच दरार पड़ सकती है और अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।